नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे थ्रोटल गवर्निंग के बारे में। जो थ्रोटल गवर्निंग है उसके हम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और इसको हम समझेंगे कि इसकी जो वर्किंग है वो कैसे होती है। थ्रोटल गवर्निंग जो है, हम टर्बाइन की गवर्निंग की बात कर रहे हैं। टर्बाइन गवर्निंग में क्या होता है, यानी कि हम जो टर्बाइन की स्पीड है उसको मेंटेन कैसे रखेंगे हायर लोड पे और लोअर लोड पे, तो उसकी स्पीड को हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं। उसके थ्रू हम जो काम करते हैं वो करते हैं गवर्निंग, ताकि उसकी जो स्पीड को मेंटेन रखा जा सके और कॉन्स्टेंट स्पीड पर उसको बनाए रखा जा सके, उसके ऊपर लोड का कोई फर्क ना पड़े। तो अकॉर्डिंग टू लोड हमें गवर्निंग पड़ती करनी पड़ती है स्टीम की। तो जो स्टीम है, अगर हम उसकी क्वांटिटी को मेंटेन कर लें कि कितनी हमें आगे देनी है और कितनी हमें रोकनी है, तो उस हिसाब से हम टरबाइन की स्पीड को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए क्या है जो, और ये गवर्निंग हम कैसे करते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे ये लगी है हमारी टरबाइन शाफ्ट है, यानी कि जैसे जैसे ये रोटेट करेगी, जितनी स्पीड पे ये रोटेट करेगी, और ये इसके साथ यहाँ पे लिंकेज दिखाई गई है, तो ये आर्म है, गवर्नर की आर्म्स हम इनको बोलेंगे। तो जैसे जैसे ये रोटेट करेगी, ये गवर्नर की हाउसिंग है, ये गवर्नर है और ये इसकी हाउसिंग है, हमारे पास गवर्नर की हाउसिंग है, तो गवर्नर हाउसिंग आप इसको बोलेंगे। तो गवर्नर हाउसिंग उसको काट के दिखाया गया है कि इसके अंदर ये है, ये दो आर्म लगी हैं। तो गवर्नर हाउसिंग के अंदर क्या है, गवर्नर हाउसिंग के अंदर ये दो आर्म है। जैसे ही ये रोटेट करेगा, यानी कि टरबाइन हाई स्पीड पे रोटेट करेगा, तो उससे क्या होगा, टरबाइन हाई स्पीड पे रोटेट करेगा तो ये जो दो आर्म है ये बाहर की तरफ मूव करेंगे। देखिए यहाँ पर ये लिंकेज दिखाई गई है, तो ये बाहर की तरफ मूव करेंगी, ये भी बाहर की तरफ मूव करेगी, ये भी बाहर की तरफ मूव करेगी। क्यों, क्योंकि सेंट्रल फ्यूगल फोर्स इन पे एक्ट करेगी, और जैसे ही ये तेजी से घूमेगा तो इसके साथ ये कनेक्ट है, तो ये बाहर की तरफ खुलेंगी, और जैसे ही ये खुलेंगी तो यहाँ पे ये देखिए लिंकेज दिखाई गई है, ये आर्म दिखाई गई है, ये इसको इस तरफ धकेलेगी, इस तरफ धकेलेगी, और ये हमारा है, ये जो है लीवर आर्म है, एक तरह की लिंकेज लगाई गई है। जैसे ही ये इस तरफ जाएगा, ये बीच से फिक्स है, बीच से पाइवटेड है ये, तो बीच में है पाइवट, तो जैसे ही ये इस तरफ जाएगा और यहाँ से ये इस तरफ जाएगा, अब जैसे ही इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे ये क्लोज होने की कोशिश करेगा, यानी कि ये जो है इसके पास आने की कोशिश करेगा, ये इसके पास आने की कोशिश करेगा, और जो स्टीम है हमारी यहाँ से फ्लो हो रही है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर वो उसको स्टॉपेज दे देगा, यानी कि इसकी सप्लाई को कम कर देगा, तो कम कर देगा, तो यहाँ से जो है और यहाँ से जो है कम सप्लाई आगे जाएगी टर्बाइन के पास, तो टर्बाइन के पास जाएगी, तो टर्बाइन जो है हमारा कम जो स्पीड है उस पर रोटेट करना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर देगा, और ये आहिस्ता आहिस्ता से कॉन्स्टेंट स्पीड पे आ जाएगा। ये जो टर्बाइन होता है उसकी अटैचमेंट होती है इस शाफ्ट से, वो यहाँ पे हमने नहीं दिखाई है। तो ये जो टर्बाइन है जितनी स्पीड पे रोटेट करेगा, वो गियर्स के थ्रू इसकी लिंकेज की जाती है, उतनी ही स्पीड पे रोटेट करती है, और ये रोटेट करती है तो ये बाहर की तरफ मूव करती है। जैसे जैसे इसकी स्पीड कम होती है तो ये आर्म अपनी पोजीशन लेती हैं, ये लिंक भी अपनी पोजीशन लेते हैं, और यहाँ से इसको दोबारा से हल्का सा ओपन कर देते हैं जितनी हमें सप्लाई चाहिए होती है। इसी तरह से अगर इसकी स्पीड कम होगी तो यहाँ से सप्लाई को बढ़ा दिया जाएगा और टर्बाइन को एक कॉन्स्टेंट स्पीड के ऊपर मेंटेन रखा जाएगा। तो इस तरह से जो थ्रोटल गवर्निंग है वो आसानी से हम यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं, जो हमारी लिंकेज है और गवर्नर की हेल्प से हम इसकी सप्लाई को मेंटेन रख सकते हैं, जिससे जो टर्बाइन है कॉन्स्टेंट स्पीड को अपनी मेंटेन रखे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।